बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा टॉपिक इट विल बी फ्रूट। फ्रूट पे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आई एम जस्ट वेटिंग कि पार्टिसिपेंट्स जो आ जाएं और फिर हम इसको टॉपिक को आगे लेके चले। ये हमारा सिस्टमैक्स में टेक्निकली आखिरी टॉपिक होगा, क्योंकि इसके बाद हमने फैमिली स्टार्ट करनी है डेफिनेटली। तो वो फैमिलीज वाला टॉपिक पढ़ के फिर हमारा जो सिस्टमैटिक्स वाला पूरे का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एनेटमी इंशाल्लाह रह जाएगी फिर पेपर बी में से, एंड होपफुली वी विल ट्राई आवर लेवल्स बेस्ट के उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आवाज़ तो आपको क्लियर है ना सब लोगों को जो जो अभी मौजूद है। बाकी लोग भी मेन वाइल आ जाते हैं, जो जो लोग अभी मौजूद हैं वो मुझे ये बता दें कि आवाज़ का तो कोई इशू नहीं है ना, आवाज़ क्लियर है? कोई और टेक्निकलिटी जिसको दूर करने की ज़रूरत है वो भी मुझे बता दो, ताकि हम उसको मेन वाइल क्लियर कर लें, ठीक है? सो आज का टॉपिक हमारा होगा फ्रूट। आज हम फ्रूट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो फ्रूट की डेफिनेशन आनी चाहिए ना जी। फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी कंटेनिंग सीड्स, यानी कि हमने मेल गैमेटोफाइट के अंदर ओवरी का जिक्र पढ़ा हुआ है ना कि इस तरह की एक ओवरी होती है, और फीमेल गैमेटोफाइट में, और उसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। अब होता क्या है कि स्पर्म आता है और इस ओव्यूल से आके फ्यूजन कर लेता है। जब स्पर्म इस ओव्यूल से फ्यूजन करता है ऐसे, तो एक जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जाइगोट बाद में एंडोस्पर्म टिश्यू के साथ मिलके सीड बना देता है। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, तो ये जो सीड होता है ये बेसिकली ओवरी के अंदर होता है। तो ये जो सीड को ओवरी कवर कर रही होती है, द ओवरी दैट इज कवरिंग द सीड बेसिकली, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर बाद में इसकी राइपनिंग हो जाती है इस ओवरी की, और फिर इस राइपन्ड ओवरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रूट कहते हैं। तो आई थिंक आई होप ये जो चीज़ है ये आपको क्लियर होगी होगी। चलिए अब यहाँ पर आपको ये एक दीवार भी ओवरी की नज़र आ रही होगी, यानी ये जो ओवरी की वाल है, तो ये वाल फिर लेटर ऑन बाद में जो है ना ये फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ओवरी फ्रूट बन गई है। तो डेफिनेटली फिर जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और इस वॉल को हम नाम देते हैं पेरिकार्प का। ये जो फ्रूट की दीवार होती है इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। आप कोई भी फ्रूट अपने जहन में ले आइए, उसकी वो जो बाहर वाली कवरिंग है उसको आप पेरिकार्प फर्ज कर लीजिए। कुछ फ्रूट्स के अंदर ये जो पेरिकार्प है ये सॉफ्ट होगी, बड़ी थिन सी होगी, और कुछ फ्रूट आप ऐसे भी देखेंगे जिनमें ये पेरिकार्प जो है ये काफ़ी हार्ड या काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट। अच्छा, इसके अलावा ना हम फ्रूट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि ये किस तरह से बने हैं। अब जरा इन दोनों टर्म्स पे आप लोग ध्यान दीजिए। हम कहते हैं कि फ्रूट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट कैन बी अ ट्रू फ्रूट और इट कैन बी अ फॉल्स फ्रूट। देखिए ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि फ्रूट क्या होता है, फ्रूट बेसिकली राइपन्ड ओवरी होती है। तो अगर तो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना है, यानी वो फ्रूट के अंदर ओवरी के अलावा फ्लावर की और कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है फ्रूट को बनाने में, तो ऐसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके बनने में ओवरी के अलावा फ्लावर के कुछ दूसरे हिस्सों का भी किरदार होता है, तो ऐसे फ्रूट्स को फिर हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सो समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक थैलमस, वो जो बेस होती है फ्लावर की, दे ऑल्सो डिवेलप इन फ्रूट। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं, या बाज़ोकात हम उनको सूडोकार्प भी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट्स या सूडोकार्प दोनों तरह से हम उनको पुकार सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है एप्पल। ये जो एप्पल हम खाते हैं ना जी, ये सिर्फ और सिर्फ राइपन्ड ओवरी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर फ्लावर के दूसरे पार्ट भी मौजूद होते हैं जो कि एक कम्प्लीट एप्पल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो ये हमने जनरल डिफ्रेंशिएशन कर ली ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। चलिए अब अगर आगे आए हम लोग, तो जो फ्रूट की बेसिक टाइप्स है ना जी हमारे पास, या जो फ्रूट की मेन कैटेगरी है वो है चार। यानी हम जितने भी दुनिया में फ्रूट्स हैं उनको टैक्सोनॉमी के हवाले से चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल फ्रूट, सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट,
एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। तो ये चार टाइप्स हमारे पास बनती है। अब दो पहली टाइप्स आपको नजर आ रही होंगी कि ये भी सिंपल फ्रूट है और इसमें भी सिंपल का लफ्ज आ रहा है, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट। हाँ जी, तो सक्यूलेंट फ्रूट आपको आपको पता है कि वो इस तरह का फ्रूट होता है जो कि फ्लैशी होता है, यानी जिसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो, तो ऐसी चीज़ को हम सक्यूलेंट कहते हैं। और यहाँ पर सिंपल फ्रूट के साथ आपको सक्यूलेंट का लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा। तो इससे आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कुछ सिंपल फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि ड्राई होते हैं, यानी उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। ये जो पहली टाइप है हमारे सिंपल फ्रूट की, दे विल बी बेसिकली द ड्राई सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट को भी अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये क्या है, क्यों हमने इसका नाम सिंपल फ्रूट रखा हुआ है। बट कंपेयर टू द सेकेंड टाइप, दैट इज सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट, हम ये यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले तो कि सिंपल फ्रूट ड्राई भी होते हैं और सक्यूलेंट भी होते हैं, यानी ऐसे जो फ्लैशी हों। तो जो ड्राई होते हैं उनको सिर्फ सिंपल फ्रूट कहेंगे, और जो फ्लैशी होते हैं उनको हम दूसरे सिंपल फ्रूट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कहेंगे, सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट। तो इन दोनों में सिर्फ वाटर कंटेंट का फर्क होता है, सिंपल फ्रूट्स में और सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट्स में। तीसरी कैटेगरी फिर हमारे पास आ जाती है एग्रीगेट फ्रूट की, और चौथी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है कंपोजिट फ्रूट की। तो इनको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट नाउ हम स्टार्ट करते हैं अभी सिंपल फ्रूट। अच्छा, और सिंपल फ्रूट्स की ना आगे तीन टाइप्स होती हैं। सिंपल फ्रूट कैन बी एकिनियल, इट कैन बी कैप्सुलर, और इट कैन बी शिजोकार्पिक। सो सिंपल फ्रूट को जो ड्राई होता है उसको हम अब भाई मजीद तीन कैटेगरीज में लेटर ऑन डिवाइड करने वाले हैं। चलिए, अभी हमने अब आप ये जहन बना लीजिए कि हमने फ्रूट की चार टाइप्स को पढ़ना है। पहली टाइप पे चलते हैं, दैट इज सिंपल फ्रूट। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि जो सिंपल फ्रूट है वो ड्राई भी हो सकता है और सक्यूलेंट भी हो सकता है। तो अभी फिर हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ड्राई है, और सक्यूलेंट वाले पार्ट को हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली कि सिंपल फ्रूट ड्राई भी हो सकता है और सक्यूलेंट भी। अब इस चीज़ को समझते हैं कि सिंपल फ्रूट होता क्या है, ये कैसा फ्रूट होता है। सो जी, इट इज़ अ फ्रूट दैट अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। कि अगर एक फ्लावर से एक फ्रूट बन रहा है, यानी एक वो पूरा फल, वो एक पूरी स्ट्रक्चर जो हम खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर से बनी हुई है, तो इस तरह के फ्रूट को हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी फर्ज कर लेना आपको गुलाब का फूल अकेले अकेले लगे होते हैं ना, फर्ज कर लें कि हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, गुलाब तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता, यानी वो जो होता है वो हमारे काम का नहीं होता, हम उसको खाते नहीं, हम यूज नहीं करते ऐसा फ्रूट। जी, तो फिर ऐसा फ्रूट जो सिंगल फ्लावर से बनता है उसको हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात, ये जो ऐसा फ्रूट होता है जिसमें जो गाइनेशियम होती है वो मोनोकार्पेलरी हो सकती है या पॉलीकार्पेलरी हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि गाइनेशियम मोनोकार्पेलरी हो या पॉलीकार्पेलरी हो, लेकिन एक हाँ, अगर अब वो मोनोकार्पेलरी हुई तो फिर तो ठीक है, नहीं यानी एक काम, लेकिन अगर वो पॉलीकार्पेलरी हो तो इट विल बी सिनकार्पस। हम पढ़ चुके हैं सिनकार्पस और एपोकार्पस के टर्म्स। तो अगर आपकी गाइनेशियम, इन केस अगर पॉलीकार्पेलरी है तो फिर वो सिनकार्पस होगी और जिससे सिंपल फ्रूट बनता है, और अगर मोनोकार्पेलरी है तो फिर तो ठीक है, फिर तो सिनकार्पस मोनोकार्पस का इशू ही नहीं होगा। चलिए, अच्छा, सिंपल फ्रूट को ना मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम इनको मजीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एकिनियल में, कैप्सुलर में, और तीसरा फ्रूट था हमारे पास शिजोकार्पिक फ्रूट। तो इन तीन हिस्सों में, इन तीन पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एकिनियल फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है, अब ड्राई की तो हमने पहले बात कर ली है, इट इज वन सीडेड फ्रूट। सो जो फ्रूट ड्राई है और वन सीडेड है उसको हम क्या कहते हैं जी, मुझे बताइए कि क्या इशू है आवाज की तरफ से, आवाज कम है। चलिए, मैं उसको मीन वाइल चेक कर लेता हूँ। अच्छा, आप बताइए जी। आई थिंक अब जो है ना, अब बेहतर हो जानी चाहिए। चलिए, अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं। अकेनियल फ्रूट भी मैंने कहा ऐसा फ्रूट जो ड्राई हो और वन सीडेड हो, एक सीड हो उसमें और ड्राई हो, तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं इकेनियल फ्रूट्स।
अब इसकी भी ना मजीद कुछ टाइप्स हैं, इसकी भी ना मजीद कुछ टाइप्स हैं अकेनियल फ्रूट की भी। पहली टाइप है एकेन, ये ऐसा फ्रूट होता है जिसकी पेरिकार्प मेम्ब्रेनस या लेदरी होती है एंड इट इज फ्री फ्रॉम सीड कोट और टेस्टा, और इसमें सीड कोट या टेस्टा नहीं होते। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बटर का। अभी हम एकिनियल की टाइप्स पढ़ रहे हैं। मैं काफी लाउडर हूँ, आई डोंट नो आज क्या इशू हो रहा है। चलो मैं ना कोशिश करता हूँ अपने वॉल्यूम वगैरह बढ़ा के, देखो अच्छे एंड फ्री यूज कर लो कुछ इस किस्म। सो गाइस, पहली हमने एकिनियल फ्रूट की टाइप डिस्कस की है एकीन। ये ऐसा फ्रूट होता है जिसमें सीड कोट या टेस्टा नहीं होता और इसकी पेरिकार्प लेदरी होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास बटर कप। ठीक है, चलो अभी दूसरी दूसरी टाइप है जो कैरियोप्सिस। अच्छा भी देखो, अब हर एक के बारे में एक एक, एक लाइन होगी, एक एक बड़ा क्लियर डिफरेंस होगा। ये ऐसा फ्रूट होता है जिसकी पेरिकार्प और टेस्टा आपस में फ्यूज हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे मेज का फ्रूट है, सीरियल जितने भी हैं, ग्रासेस जितनी भी हैं, उन सब के जो फ्रूट हैं वो उनका पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज होते हैं और इनके फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं। अब यहाँ से होने हैं तुम लोगों के एमसीक्यू तैयार, कि अभी हमने कहा भाई ग्रासेस का फ्रूट कैरियोप्सिस है, तो जिस भी ग्रास का फ्रूट पूछेगा कैरियोप्सिस, मेज का पूछेगा कैरियोप्सिस, सीरियल जो भी होगा उसका फ्रूट पूछेगा कैरियोप्सिस। ठीक है, चलो भी एकिनियल की तीसरी टाइप आ गई हमारे पास नट फ्रूट। ये कैसा होता है जी? नट, यहाँ भी नट का लफ्ज आए, याद रखना कि हार्ड होता है और इसकी पेरिकार्प गुडी होती है। मैं आपको बता रहा था ना कि पेरिकार्प डिपेंड करती है, सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। तो जो नट फ्रूट्स होंगे जिनको हम नट का नाम देते हैं, उनकी निशानी ये होगी कि उनकी पेरिकार्प हार्ड होती है, गुडी होती है, फॉर्म्स अ शेल, शेल लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, जैसे बादाम है। अच्छा, एंड सराउंडेड बाय हार्ड एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड द कप्यूल। अच्छा, अब उसकी जो स्ट्रक्चर है पेरिकार्प की, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है नट के केस में, कप्यूल का, CUPULE, कप्यूल। तो बादाम की एग्जांपल आप अपने ज़हन में रखिए, उसका जो है फ्रूट, या उसका याद रखिए मूंगफली का, वो कौन सा है? वो नट है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ओक और हेजल। अगर आगे चले हम, अगली हमारे पास एक एंजल फ्रूट की एग्जांपल समारा। अच्छा भाई, ये इसके क्या करेक्टर है इस फ्रूट का, कि इसकी जो पेरिकार्प है इट डेवलप्स अ मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ और विंग विच हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। हाँ अच्छा, यहाँ आनी है आलमंड की एग्जांपल। ठीक है चलो, तो ये ऐसा फ्रूट है जिसकी पेरिकार्प ने एक आउटग्रोथ बनाई होती है छोटी मोटी, जो उसके डिस्पर्सल में हेल्प करती है। तो आलमंड इसकी एग्जांपल है भाई। तो आलमंड का फ्रूट, अब यहाँ से याद रखना है कि समारा होता है हमेशा, यही यही चीजें पूछी जानी है एमसीक्यू में। आलमंड का फ्रूट बता दो कौन सा होता है, एप्पल का बता दो कौन सा होता है। सो यही एमसीक्यू जाएंगे। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास सिपसेला। ये ऐसा फ्रूट है जो कि, अब इसका करेक्टर है खास, जो कि सिनकार्पस बाइकार्पेल्री फीमेल गैमेटोफाइट से बना होता है, गाइनेशियम से बना होता है। ऐसी गाइनेशियम जो बाइकार्पेल्री हो और सिनकार्पस हो, उससे जो है ये फ्रूट बना होता है, जो कि सारी की सारी कंपोजिटिव फैमिली है, उसके फ्रूट जो है वो सिपसला होता है। ठीक है, अच्छा, अब इन फ्रूट्स का एक और बड़ा स्पेशल करेक्टर है कि बाज़ औक़ात इनके ऊपर ना एक बाल, इनका फ्रूट के ऊपर एक बालों का गुच्छा सा होता है और उस गुच्छे को कहते हैं सोंकस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपोजिटिव फैमिली ये जो मेंबर्स हैं उन सारों के अंदर जो फ्रूट होता है उसको सिप्सला कहते हैं। अच्छा, ये कंपोजिटी के एक और नाम भी है, उसको जरा देख लीजिएगा। जो लोग मेरे साथ मौजूद है वो मुझे बता दें कि क्या है वो। चलो, अभी हम सिंपल फ्रूट को डिस्कस कर रहे थे और उसकी पहली टाइप एकेशियल फ्रूट को हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी टाइप है कैप्सुलर फ्रूट। एक्चुअली आज मेरे पास टाइम भी थोड़ा है, सो मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर दूँ। दूसरा फैमिलीज वाला सेशन मेरा इरादा है कि उसको इवनिंग में रख लेंगे, करना लाजमी है और आज इंशाल्लाह करना है, लेकिन उसको इवनिंग में रख लेंगे। भी इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं, तो फिर ये होगा ना, आप लोग ये भी पढ़ लोगे और जो पिछला आपका रहता है तो आप वो भी कंप्लीट कर लोगे। शाम को जब हम फैमिलीज के सेशन पे आएंगे तो सारी टर्म्स आपको आती होंगी, जल्दी जल्दी से हम वो कर लेंगे। तो सिंपल में पहली टाइप एकेशियल हमने पढ़ी, उसकी मजीद सब टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया भाई। दूसरी टाइप है कैप्सुलर फ्रूट। अच्छा देखो, ऊपर हम कह रहे थे कि सिंपल फ्रूट जो होता है वो ड्राई होता है और वन सीडेड होता है। अब इसका उससे फर्क देखो,
का उससे फर्क देखो कि होता ये भी ड्राई है लेकिन ये मैनी सीडेड होता है, इसमें एक से ज्यादा सीड होते हैं ठीक है। और ये डाइहेसेंट फ्रूट होता है, डाइहेसेंट फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है जो कि टूट जाता है यानी जिसको ब्रेक करके खाया जाता है, मतलब हाँ ठीक हो गया एस्ट्रेसी फैमिली अभी फर्क। अच्छा इसमें इसके भी आगे सब टाइप्स हैं, एक लेग्यूम है, लेग्यूम भी कैप्सुलर फ्रूट होता है, इसी तरह फोलिकल है और सिलिकुआ है। तो लेग्यूम ऐसा फ्रूट होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय मोनोकार्पिलरी पिस्टल जो है ना वो कार्पल को कहते हैं, ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, पिस्टल कार्पल्स को कहते हैं, वो जो फीमेल होता है गाइनेशियम, गाइनेशियम जो को जो है ना पिस्टल भी कहते हैं ठीक है। तो ये लेग्यूम कौन सा फ्रूट होगा, ऐसा फ्रूट जो कि मोनोकार्पिलरी पिस्टल से बना है। ये दो बातें तो ऊपर ही कर ली है ना हमने कि ये मैनी सीडेड होगा और ड्राई होगा, और ये अब नाम से जाहिर है कि पूरी फैमिली लेग्यूमिनोजी का जो फ्रूट है वो लेग्यूम होगा, इसको भी याद करना इजी है। पूरी लेग्यूमिनोजी में लेग्यूम, ऊपर हमने कंपोस्टी का जिक्र पड़ा है, उस सारी की सारी फैमिली के अंदर जो फ्रूट होगा वो हो जाएगा सिप्सला ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, अगला अगली हमारे पास फ्रूट टाइप है फोलिकल। अब ये किस तरह का होता है, ये भी मोनोकार्पिलरी पिस्टल से ही बनता है लेकिन ये ऐसी ओवरी से बनता है जो सुपीरियर होती है ठीक है। अच्छा एक चीज मैं ऊपर तुम लोग को बताना भूल गया कि जो लेग्यूम है ना वो बेसिकली यूनिलोक्युलर सुपीरियर, अच्छा ये दोनों यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, लेग्यूम भी और फॉलिकल भी ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है फॉलिकल और लेग्यूम में कि जो लेग्यूम है इट डाइहेसिस अलोंग बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल स्ट्रक्चर्स एंड वेंट्रल स्ट्रक्चर, और जो फॉलिकल है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर अलोंग वन स्ट्रक्चर डाइहेस होता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनके डाइहेसेंस का क्या मतलब है। देखिए अगर आप लेग्यूम देखेंगे ना तो वो आपको ऐसे दो पार्ट्स में नजर आएगा, एक पार्ट ऐसे होगा और दूसरा पार्ट ऐसे, यानी वो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो उसको आप जहाँ से भी ब्रेक डाउन करेंगे ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है। तो यानी दोनों साइडों से डोर फ्रंट साइड से भी हो जाएगा ब्रेक डाउन और बैक साइड से भी हो जाएगा। डाइहेसेंस का मतलब बेसिकली ब्रेक डाउन होना होता है, लेकिन फोलिकल ऐसा फ्रूट होता है जो सिर्फ एक साइड से एक स्ट्रक्चर से ब्रेक डाउन होता है, दूसरी साइड से ब्रेक डाउन नहीं होता ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास लार्क्सपर, लार्क्सपर में फॉलिकल फ्रूट होता है। लास्टली हमारे पास दैट द फ्रूट इज उसका नाम है जी सिलिकुआ। अच्छा अब सिलिकुआ से थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल फ्रूट होता है ठीक है। अब नीचे ये भी पढ़ लेते हैं कि ये किन के अंदर होता है, जो पूरी की पूरी फैमिली क्रूसीफेरी है उनका जो फ्रूट है उसको सिलिकुआ कहते हैं। अभी देखो क्रूसीफेरी वो वाली है कुकरबिटा की फैमिली ठीक है, नहीं कुकरबिटा की नहीं है ये तो भी और है। अच्छा मुझे बताना आप में से कोई बंदा कि इसका कौन सा है वो कोई बताओ जरा रिप्रेजेंटेटिव बताओ क्रूसीफेरी का। सो ये हमने अभी सिलिकुआ के बारे में बात की है जी कि ये सिलिंड्रिकल फ्रूट होता है और सारी की सारी फैमिली क्रूसीफेरी में यही सिलिकुआ फ्रूट ही मौजूद होता है। अच्छा जी चौथी टाइप हमारे पास कैप्सुलर फ्रूट की, दैट इज कैप्सूल ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हमारे पास, एक कंपेनुला, हाँ ठीक है सही हो गया। अच्छा ब्रासिका फैमिली ठीक है, ब्रासिका वाली फैमिली ठीक है, उसी फैमिली उसको आई थिंक ब्रासिके से भी कहते हैं। तो उनका जो फ्रूट है वो हो गया स्क्विला। इसी तरह अब ये वाला जो फ्रूट है कैप्सूल, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं, ये डिराइव होता है पॉलिकार्पस सुपीरियर ओवरी से, यानी ऐसा फ्रूट जो पॉलीकार्पिलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी से ओरिजिनेट होता है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अच्छा ये दो प्लांट हैं उनके अंदर जो जो फ्रूट होता है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल की एग्जांपल में ले सकते हैं, एक हो गया कैंपेनुला और दूसरा हो गया आयरस। सो यहां तक ना सिंपल फ्लावर की, सिंपल फ्रूट की दो टाइप्स हो गई हैं, इकेशियल और इकेनियल और दूसरी कैप्सुलर। अब तीसरा फ्रूट की टाइप है हमारे पास शिजोकार्पिक फ्रूट ठीक है। ये भी ड्राई तो होगा क्योंकि सिंपलर है, और अच्छा ये भी मैनी सीडेड होता है, तो कैप्सुलर भी मैनी सीडेड हो गया और शिजोकार्पिक फ्रूट भी हमारे पास मैनी सीडेड हो गया। तो अब सवाल ये है
कि इसका शिजोकार्पिक और कैप्सुलर का फर्क क्या होता है। चले फर्क मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ये डाइहेसेंट होता है, यानी बाज़ औक़ात ये ब्रेक डाउन हो सकता है और बाज़ औक़ात ये ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर इसके पार्ट्स को कोकाई कहते हैं, और अगर ये ब्रेक डाउन ना हो रहा हो, इनडाइहेसेंट हो, तो इसके पार्ट्स को मेरिकार्प कहते हैं। ये यानी दो टर्म्स हैं शिजोकार्पिक फ्रूट के पार्ट से रिलेटेड, ये आपने याद रखें। अब आ जाइए इसके टाइप्स के ऊपर। सो इट कैन बी लोमेंटम, ये एक टाइप है शिजोकार्पिक फ्रूट की। इसमें इसमें जो लेग्यूम या पोड होगी, इट विल बी मॉडिफाइड बाय बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम। अच्छा, यानी ये एक लेग्यूम है, ये एक पोड है। अभी हम लेग्यूम की बात कर रहे हैं जो वो फ्रूट था ऊपर। अगर वो लेग्यूम मॉडिफाई इस तरह से हुआ हो, यानी उसके अंदर पार्टीशन हो, यानी अब उस लेग्यूम के अंदर एक सीड ये है, एक सीड ये है, एक सीड ये है, तो ऐसे लेग्यूम को हम लोमेंटम कहते हैं। अगर सीड्स के दरमियान ऐसे पार्शल पार्टीशन हो, सेप्टम्स मौजूद हो, तो ऐसे लेग्यूम को हम लोमेंटम कहते हैं। तो लेग्यूमिन होती थी, कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर लोमेंटम होता है, कुछ के अंदर वही लेग्यूम फ्रूट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर तो वो जो सीड्स हैं उनके दरमियान कंस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी वो एक दूसरे के साथ उनके दरमियान कोई पार्टीशन या सेप्टा नहीं है, तो फिर वो लेग्यूम है। अगर सेप्टा है तो वो लोमेंटम है। जैसे देखिए ना, वो पी का हम केस पढ़ते हैं ना, कि उसमें दो तरह की स्पीशीज होती हैं। एक वो होती हैं जिनका जो सीड पोर्ट होता है, उसमें जो सीड होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, और दूसरा हम वो पढ़ते हैं जिसमें सीड्स के दरमियान कंस्ट्रिक्शन होती है। तो वो जिसमें कंस्ट्रिक्शन है उसको फिर हम लोमेंटम कहेंगे, और वो जिसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं है उसको लेग्यूम कहेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है जी, चलिए अगली हमारे पास एग्जाम्पल है डबल समारा। अब ये क्या होता है भाई, ये बेसिकली ऐसा फ्रूट होता है जो होता तो समारा की तरह, समारा अच्छा हम ऊपर पढ़ के आए, लेकिन इसका ये करेक्टर है कि इट ब्रेक्स अप इनटू टू मेरिकार्प्स। ये दो मेरिकार्प्स में ये फ्रूट टूट जाता है। अच्छा, मेरिकार्प को मैं भी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अगर तो फ्रूट का एक हिस्सा डाइहेसेंस ना हो रहा हो, डाइहेसेंस ना कर रहा हो तो उसको हम मेरिकार्प कहते हैं। तो डबल समारा के अंदर दो मेरिकार्प्स होती हैं, और उन दोनों में एक एक सीड और विंग होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैपल और एसर। एसर ही कहेंगे ना इसे, आई थिंक सो। अच्छा, आप मुझे बताएं आप वॉइस कैसी है जी। हाँ ठीक है, अभी मुझे बताओ दोबारा से कि माइक में क्या इशू है, या अभी ठीक है या नहीं। ठीक, चलें अभी इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास होती है क्रीमोकार। अब क्या है जी ये? अच्छा, सबसे पहले ये याद रखो कि पूरी फैमिली एम्बलीफेरी में ये वाला फ्रूट होता है क्रीमोकार। फैमिलीज के नाम के साथ साथ ना उनके फ्रूट की टाइप भी याद रख लो। फैमिलीज आज हम याद करेंगे ना जब, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि हर फैमिली के नाम के साथ उसका फ्रूट याद रख लो कि कौन कौन सा। यहाँ से एमसीक्यूज काफी आते हैं। चले अच्छा, ये ऐसा फ्रूट होता है जो जो बाई कार्पिलरी सिन कार्पस इन्फीरियर बाई लोक्युलर ओवरी से बनता है। आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी डिटेल में मतलब हमें चीज़ें याद रहेंगी। हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार साथियों को, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कि ये हम इतनी डिटेल में इनको याद रख सकते हैं। तो अगर सिर्फ फैमिली के नाम के साथ उनका फ्रूट याद हो जाए ना, तो वो भी काफ़ी। आप जो लोग सुन रहे हैं अभी इस बात से आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि भाई ये तो हमें याद नहीं होगा या कैसे याद करें। तो अगर हम फैमिली के नाम के साथ ही फ्रूट याद कर लें तो दैट विल आल्सो बी इनफ। अच्छा, और क्रीमोकार्प का क्या करैक्टर होता है? दैट इट स्प्लिट्स अलोंग लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन लोक्युलाई इनटू वन सीडेड मेरिकार्प। अच्छा, और ये भी मेरिकार्प में टूटता है क्रीमोकार्प। अगली टाइप है हमारे पास कैरुलस। ये भी हमारी तीसरी टाइप है, तीसरी टाइप का हिस्सा है बेसिकली सिंपल फ्रूट की। अच्छा, इसका करैक्टर क्या है कि एक तो ये पूरी फैमिली मालवेसी जो है उसका ये है मेलस पपाया मोरिस अल्बा जिसका एक मेंबर है मालवेसी का। मालवेसी मेरा ख्याल है ये वो वाली फैमिली है जिसके अंदर शतूत होता है।
आई थिंक सो। हाँ, जो मालवेसी फैमिली है ये वो है जिसके अंदर शहतूत होता है। तो वो शहतूत से आप याद रख सकते हैं कि वो जो शहतूत है वो कैरकेरुलस का की तरह का होता है, वो कैरकेरुलस टाइप है बेसिकली। सो उसमें सिंगल लोक इसमें सिंगल लोक्यूलाई इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लोक्यूलाई बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सिम्पटम। तो वो आप अगर शहतूत को देखें तो बेसिकली होता तो इस तरह से है शहतूत, वो अगर हम वो लेंथ ही बना लें, और वो इस तरह से उसमें छोटी 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 पार्टीशंस होती हैं। अच्छा, मुझे तो ये मालवेसी वो वाली फैमिली लग रही है, शैतूत वाली, मेलस मोरिस अल्बा। अच्छा चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक सो कि ये उस वाली फैमिली। अच्छा, और आखिरी टाइप है हमारे पास रैग्मा, ये भी हमारे पास सिंपल फ्रूट की टाइप है, ठीक है। और ये जो है कैस्टर ऑयल प्लांट का जो फ्रूट है वो रेगमा टाइप का होता है। इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ऐसी ओवरी जो सुपीरियर सिनकार्पस और पॉलीकार्पिलरी होती है उससे ये डिराइव होता है। और जब ये पक जाता है तो फिर फ्रूट जो है काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर पार्ट को कोकाई कहते हैं। नहीं फर्द, मलबरी जो है ना उसका कॉमन नेम है, मलबरी फैमिली का नेम तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। वो आई थिंक सो कि वो जो है वो जो मलबरी है ना वो उसका कॉमन नेम है, वो उसकी फैमिली का नाम नहीं है। ठीक है चलो इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। कोई इशू नहीं है इसको। अच्छा नहीं, उसको ना वो मोरेसी फैमिली है, अच्छा मालवेसी नहीं है, वो मोरेसी फैमिली। ठीक है चलो ठीक हो गया, मैंने उसको देख लिया। मीन वाइल वो मोरेसी फैमिली है, हाँ ठीक है, वो मोरेसी फैमिली है। ठीक है ठीक चलो। तो ये फिर वो कौन सा था, ये शू फ्लावर वाला था, ठीक हो गया चलो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक ना हमारी एक टाइप होगी सिंपल फ्लावर फ्रूट्स वाली जो ड्राई थे, अब दूसरी टाइप यहाँ से स्टार्ट होगी सक्यूलेंट, सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट की, ठीक है। आम तौर पे देखने में ये आया कि जी कि ओवरी की ना तीन वॉल्स होती हैं, तीन दीवारें होती हैं, ठीक है। जब राइपनिंग होती है ना, यानी जब फ्रूट बन जाता है, तो ये आम तौर पर तीनों की तीनों दीवारें हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। आमतौर पर मतलब यूजली ये तीनों की तीनों दीवारें हार्ड हो जाती हैं। तो अगर फ्रूट ड्राई है, यानी फ्रूट ड्राई है, तो उसमें जो तीनों की तीनों लेयर्स होंगी इनमें से पानी निकल जाता है, और ये सारी की सारी जो तीनों दीवारें हैं ये मिलके पेरिकार्प बना देती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सक्कुलेंट फ्रूट होता है, ऐसा फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट होता है, जो रस भरा होता है, रसीला होता है कह लीजिए, जो फ्लैशी होता है, उसके अंदर ये तीनों लेयर जो है ये ना तो आपस में मिलती हैं, ना ही इन तीनों का वाटर कंटेंट खत्म होता है, और इन तीनों लेयर्स को हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से इनटू एपिकार्प मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है जी। अब जो हमारे पास ये फ्लैशी फ्रूट होते हैं यानी सक्कुलेंट फ्रूट होते हैं, इनकी भी आगे मजीद तीन टाइप्स हैं। इट कैन बी ड्रूपस फ्रूट्स, अच्छा ये जो वन सीडेड होता है, यानी अगर सक्यूलेंट है और वन सीडेड है तो फिर हम उसको ड्रूपस फ्रूट कहेंगे जी, ठीक है चलो। अच्छा, इसके बारे में दो चार बातें कि ये जो ड्रूपस फ्रूट होता है बेसिकली इसकी तीन तो लेयर्स होती हैं, वही जो होनी है ओवरी की, वो बाहर वाली लेयर को एपिकार्प कहते हैं, जो दरमियान वाली लेयर होती है उसको मीजोकार्प कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोकार्प कहती हैं, ठीक है। अब इनमें से ये जो मिडल लेयर होती है, यानी ये जो मीजोकार्प होती है, ये बेसिकली फ्लैशी होती है, और यही एडिबल पार्ट होता है, और इसको ही हम खाते हैं। यानी कि जो ओवरी की पूरी है वो तीन लेयर्स में डिवाइड हुई होती है, तो पहली लेयर भी हार्ड जिसको हम हार्ड एंडोकार्प कहते हैं, और आखिरी लेयर भी हार्ड होती है जिसको हम हार्ड कह लें या ड्राई कह लें, जिसको हम
एपिकार्प कहते हैं, और इन दोनों की जो दरमियान वाली लेयर होती है मीजोकार्प, ये फ्लैशी होती है और इसको हम खाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंगो और पीच इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी फ्रूट टाइप होती है बेरीज, ये भी सक्यूलेंट है। ये इंडिहेसेंट होते हैं, इंडाइहेसेंट जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसे फ्रूट जो कि ब्रेक डाउन नहीं होते, मैनी सीडेड होते हैं लेकिन वो सारे के सारे सीड फ्रूट के अंदर ही रहते हैं और ब्रेक डाउन नहीं होते। इनकी भी डेफिनेटली तीन लेयर्स ही होंगी ना फ्रूट की, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। लेकिन इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपिकार्प तो स्किन बनाती है, लेकिन मेसोकार्प और एंडोकार्प दोनों ही सक्यूलेंट होती हैं और दोनों को ही खाया जाता है। सीड भी इन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं और इन दोनों को ही खाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पोमीग्रेनेट है, ऑरेंज है, टमाटो है, ब्रिंजल है, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास बेरीज वाले फ्रूट की टाइप। और इन सारे फ्रूट्स में आप देखोगे कि आपको कहीं भी सीड फ्रूट से अलहदा नहीं नजर आएगा। वो मैंगो की एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ी है ना, तो उसमें आपने देखा कि जहां पर पल्प खत्म हो जाता है ना, वहां से आगे सीड स्टार्ट हो रहा है। सीड का एक कोट है, सीड की कवरिंग है और उसके अंदर सीड है। लेकिन यहाँ क्या होता है, मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों ही सक्यूलेंट होते हैं और इनके अंदर ही सीड मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी टाइप सक्यूलेंट फ्रूट की इज पॉम, POME, पॉम भी कह सकते हैं, पॉमी भी कह सकते हैं। इसका स्पेशल करेक्टर ये है कि इस फ्रूट का जो एडिबल पोर्शन है और आउटर स्किन होती है वो फ्रूट के थैलमस से बनी होती है, ठीक है, और सेंटर में सीड होते हैं। अच्छा, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो जो पॉम फ्रूट है ये है तो सक्यूलेंट ही हालांकि, लेकिन एपिकार्प, पेरिकार्प और एंडोकार्प वाली जो टर्म्स हैं वो इस फ्रूट पे एप्लीकेबल नहीं होती। यानी कि हम इस फ्रूट की जो स्ट्रक्चर है उसको एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली ये बना ही थैलमस से हुआ है। अभी आपका सवाल डेफिनेटली ये यही होना चाहिए था कि हम तो बात कर रहे थे सकुलेंट फ्रूट के केस में कि भाई उसकी वो तीनों जो है लेयर्स वो सेपरेटेड होती है, डिस्टिंक्ट होती है, तो इसकी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बना ही थैलमस से होता है, ये ओवरी से बना ही बहुत कम होता है, जो इसका मेन पोर्शन है वो बना ही थैलमस से होता है, सो इसलिए फिर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती, जो वो जो फ्रूट आपको नजर आता है वो बेसिकली ओवरी से नहीं बना होता, वो बल्कि थैलमस से बना होता। तो दो टाइप्स हो गई नहीं हमारे पास, तीसरी टाइप है हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट। चलिए, अब ये क्या होता है, देखिए कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि फ्रूट जो फ्लावर जो है वो इकट्ठे इकट्ठे ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो अगर फ्लावर ग्रुप की शक्ल में होंगे तो ये पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली कि उन फ्लावर्स की कलेक्शन से ही फ्रूट भी बनेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट फ्रूट फिर ऐसा फ्रूट होता है दैट इज फाउंड बाय कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूट लेट्स, यानी जैसे छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, ये छोटे 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 फ्लावर हैं। तो अब फर्ज करें हर एक फ्लावर एक एक फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और ये सारे फ्रूट इधर इकट्ठे प्रेजेंट है, तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज द फ्रूटलेट है। तो इन फ्रूटलेट्स की कलेक्शन से जो फ्रूट बनता है उसको फिर कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट, यानी जो छोटे छोटे फ्रूट मिलके एक फ्रूट बने उसको हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक स्पेशल टर्म है इटेरियो की। क्या टर्म है जी? इटेरियो की, कि कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स को हम बॉटनी में इटेरियो भी कहते हैं। चलिए, मैं फिर मजीद चेक करता हूँ आवाज को। अच्छा, ये इसको ना एग्रीगेट फ्रूट को समझना बहुत आसान है। इसके आगे मतलब टाइप्स हैं, इट कैन बी इटेरियो ऑफ एकन्स, यानी वो जो फ्रूटलेट्स हैं वो एकन्स हैं तो उनके इटेरियो को हम एकन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास बटर कप है, आपको याद होगा हमने एकन्स में भी बटर कप की एग्जांपल पढ़ी थी ना, तो उसको फ्रूट टाइप को एकन्स भी कह सकते हैं और इटेरियो ऑफ एकन इस हवाले से कह सकते हैं क्योंकि वो उनका मजमू है एकन्स एकन्स का। इसी तरह स्ट्रॉबेरी और लोटस भी इटेरियो ऑफ एकन्स। इसी तरह, अच्छा भाई, ये फॉलिकल जो इटेरियो फॉलिकल्स, अगेन काफी सारे फॉलिकल्स इकट्ठे, एग्जाम्पल अगेन हमारे पास वही आ जाएगी कैलोट्रॉपस। इसी तरह इटेरियो ड्रोप्स, यानी अगर ड्रोप्स काफी सारे इकट्ठे हैं तो उनको उसको हम इटेरियो ड्रोप्स कहेंगे, वो भी एग्रीगेट फ्रूट में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। इसी तरह इटेरियो ऑफ बेरीज, यानी अगर बेरीज का इटेरियो है तो उसको हम भी उसको भी हम एग्रीगेट फ्रूट कह सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल। अच्छा, तो ये एग्रीगेट तो भाई बिल्कुल आसान था, जो
जो जो वो पीछे हम टाइप्स पढ़े अगर वो एग्रीगेट की फॉर्म में हो तो इटेरियो का लफ्ज उनके साथ लग जाएगा, तो और फिर हम उनको एज एन एग्रीगेट फ्रूट भी कर सकते हैं क्लासिफाई। लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज कंपोजिट फ्लावर, कंपोजिट फ्रूट। अच्छा अब ये कैसा फ्रूट होता है भाई? ये ऐसा फ्रूट होता है जो कि इनफ्लोरिसेंस से बने, यानी एक फ्लावर की इनफ्लोरिसेंस थी, वो सारी की सारी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, तो उसको हम फिर कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। अच्छा इसकी भी मजीद टाइप होती है, इस इट कैन बी साइकोनस, साइकोनस हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास फिज है, ठीक है, फिज इसकी एग्जाम्पल है साइकोनस कंपोजिट फ्लावर की, फ्रूट की। अब ये ऐसा फ्रूट होता है भाई जो कि होलो पियर शेप्ड कैपिचुलम से बनता है। अच्छा कैपिचुलम आपने पढ़ी थी ना उधर, वो जब हमने इनफ्लोरिसेंस की बात की थी तो उसमें एक टाइप आई थी कैपिचुलम। तो अगर ये पियर शेप्ड कैपिचुलम से कोई फ्रूट बनता है तो उसको साइकोनस कहते हैं, और फिर जब ये बड़ा होता है यानी जब इसकी राइपनिंग हो जाती है, फिर जो इनफ्लोरिसेंस के रिसेप्टिकल यानी इनफ्लोरिसेंस के पार्ट्स होते हैं वो फ्लैशी बन जाते हैं, और वो ही बेसिकली फ्रूट का एडिबल पार्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास पीपल, पीपल की भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पीपल का भी जो फ्रूट होता है वो साइकोनस होता है। अच्छा एक और आपने बात याद रखनी कि फ्रूट का मतलब सिर्फ वही चीज़ें नहीं है जो हम खाते हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि जो जिस प्लांट को हम खाते नहीं है उसका फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट उनका भी होता है डेफिनेटली, लेकिन ये अलग बात है कि हम खाते हैं या नहीं खाते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा इसी तरह ये कंपोजिट फ्रूट में एक और टर्म आ जाती है सोरोसिस। ये कैसा होता है जी? ये ऐसा फ्रूट है जिसमें पेरियांथ लीव्स ऑफ द फीमेल फ्लावर बिकम फ्लैशी एंड जूसी, यानी जो फीमेल फ्लावर के वो पेरियांथ वाले लीव थे, पेरियांथ क्या, केलिक्स और करोला, वो जो फीमेल फ्लावर का केलिक्स और करोला था वो फ्लैशी और जूसी हो जाता है, और वो बेसिकली जो है वो फ्रूट का काम करता है। ऐसे फ्रूट को सोरोसिस भी कहते हैं। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आई थिंक ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं। एक फ्रूट टाइप होती है हमारे पास स्ट्रोबिलस, ऐसा फ्रूट टाइप जो कि एक पूरी की पूरी फीमेल कॉन से बने ना, यानी इनफ्लोरिसेंस की पूरी फीमेल कॉन थी, उससे अगर कोई फ्रूट बनता है तो उसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है होप, ठीक है जी। चलिए ये इसके साथ ही आई थिंक सो कि हमारा जो फ्रूट वाला है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। ये कुछ स्ट्रक्चर है ये मैं आपको अभी हैंडआउट शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिए, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं जी। ठीक है। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो फिर हम इसको अभी एंड करते हैं। मजीद जो है फिर हम इसको किसी को सवाल हो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो दूसरा सेशन है फैमिलीज वाला वो शाम को आज इंशाल्लाह लाजमी होगा, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम उसको करें। तो फिर अभी इजाज़त दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।